स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, आई एम टीचिंग यू द 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला। आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट कि जो क्रेन होती है, वो जो आयरन के जो शिप यार्ड होते हैं, जहां पर आयरन का विकास सामान पड़ा होता है, उसमें जाती है और उसमें से आयरन के सारे सामान को अलग निकाल के लेके आती है। तो वो क्या होता है? वो होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होता है डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है और कैसे काम करता है? देखो, जैसे हमने क्या करना है, एक आयरन की रॉड लेनी है पहले। ओके, क्या लेनी है? आयरन की एक रॉड। इस पे एक कॉपर वायर को रैप कर देना है। रैप मतलब समझते हो ना, लपेट देना है, कॉपर वायर को रैप कर देना है और कई सारे टर्न लेने हैं, क्लोज टर्न लेने हैं। ओके, और फिर हमें क्या करना है, उस वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और बन जाता है हमारा ये जो कॉम्बिनेशन होता है, इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब क्या है सर इलेक्ट्रोमैग्नेट का? मतलब मैग्नेट होगा किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इलेक्ट्रोमैग्नेट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ करंट, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू द सर्कुलर लूप, ड्यू टू सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सोलिनॉइड। अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है स्टूडेंट, तो प्लीज पहले प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियोस को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद में इस वीडियो को देखना, तभी बात समझ में आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, हमको यही डिस्कशन करना है। ओके, तो आई कैन राइट, अभी मैंने आपको बताया, एक आयरन की रॉड पे हमको क्या रैप कर देना है, इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप कर देना है। इट इज ए मैग्नेट। अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए और जल्दी से राइट करिए। इट इज अ मैग्नेट हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑन ए सॉफ्ट आयरन रॉड। ओके, इट इज मैग्नेटाइज्ड only when current flows in it। ऐसा नहीं होता कि इसमें हमेशा मैग्नेटिज्म रहेगा। जैसे ही आप करंट को इसमें पास करोगे, ऑन करोगे, तब ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। करंट को ऑफ कर दोगे तो मैग्नेटिज्म भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इज दैट क्लियर? What is an electromagnet? It is a magnet. पहले तो ये समझ लीजिए क्या है, मैग्नेट है। अच्छा, ये टेम्परेरी मैग्नेट है या परमानेंट मैग्नेट है, जरा सोच के बताओ। दिस इज टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट है, जल्दी फटाफट से कमेंट तो कर दो, एक वीडियो को लाइक भी करो। आप लोग भूल जाते हो, ऐसा लगता है कि सब भूल जाते हो, बस देख लेते हो, कोई लाइक वगैरह शेयर वगैरह नहीं करता है, तो लाइक कर दो जल्दी फटाफट से और सोच के बताओ, कमेंट करो, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट होगा या टेम्परेरी मैग्नेट होगा? थिंक एंड गिव द आंसर इन कमेंट बॉक्स। 1, 2, 3। ओके, अब हम बताते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेम्परेरी मैग्नेट होगा। क्यों होगा टेम्परेरी? क्योंकि जब आप करंट को ऑन करोगे तभी मैग्नेटिक मैग्नेट का काम करेगा, करंट को ऑफ कर दोगे तो इसका मैग्नेटिज्म भी फिनिश हो जाएगा। इज दैट क्लियर? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? इट इज अ मैग्नेट, इट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट, वी कैन राइट लाइक दिस, इट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न ऑफ closed turn of insulated copper wire wrapped on a soft iron rod and it is magnetized only when current is
फ्लोइंग इन द कॉइल। अब हमें जरा सोच के बताइएगा, अगर मैग्नेटिज्म ज्यादा चाहिए, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने, तो बाय विच मेथड वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटिज्म? फर्स्ट, ये तो आप सब लोग जानते ही हो, बाय इंक्रीजिंग करेंट। हाउ वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, हाउ वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट? फर्स्ट बाय इंक्रीजिंग करेंट। ये तो सभी में कॉमन है कि अगर आपको मैग्नेटिज्म ज्यादा चाहिए तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि करंट को ज्यादा करें। दूसरा, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा टर्न लोगे मैग्नेटिज्म भी उतना ज्यादा रहेगा। और थर्ड क्या हो सकता है, बाई यूजिंग सॉफ्ट आयरन रॉड एज ए कोर मटेरियल, जिस पर आप रैप कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, वो सॉफ्ट आयरन की एक रॉड होनी चाहिए, तो उसको मैग्नेटाइज करना थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा इन कंपैरिजन विद अदर मेटल्स। इफ, नोट करके लिखिएगा एक बात को, इफ वी यूज आयरन स्टील इंस्टेड ऑफ आयरन रॉड, देन क्या होगा? अगर हम आयरन की जगह पर स्टील की रॉड यूज करने लगेंगे तब क्या होगा? तो हम बताना चाहेंगे, स्टील डज नॉट लूज ऑल मैग्नेटिज्म व्हेन करेंट इज स्विच्ड ऑफ। अगर आप करंट को ऑफ करोगे तो स्टील की जो रॉड होगी वो एक साथ सारा मैग्नेटिज्म लूज नहीं करेगी, वो थोड़े टाइम के लिए एक परमानेंट मैग्नेट का काम करने लगेगी। दैट्स व्हाई वी नेवर यूज स्टील रॉड एज अ कोर मटेरियल, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब हमको जरूरत हो तब मैग्नेटिज्म आए और जब हमको जरूरत ना हो तब मैग्नेटिज्म चला भी जाए। करंट को ऑन करिए, मैग्नेटिज्म ऑन होना चाहिए, करंट को ऑफ करेंगे तो मैग्नेटिज्म ऑफ होना चाहिए। लेकिन अगर स्टील की रॉड हम यूज करेंगे तो करंट को ऑन करेंगे मैग्नेटिज्म ऑन हो जाएगा, लेकिन करंट को ऑफ करने पर क्या होगा, करंट को ऑफ करने के बाद भी ये मैग्नेटिज्म इसमें रहेगा। इट डज नॉट लूज ऑल द मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑफ, दैट्स व्हाई वी नेवर यूज स्टील रॉड एज अ कोर मटेरियल। इज दैट क्लियर? आई होप बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है और कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं और कैसे उसमें हम मैग्नेटिज्म को इंक्रीज कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर और होता है, अब जरा ये तो बात पता है कि हम इसमें मैग्नेटिज्म को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। सर कैसे कम ज्यादा कर सकते हैं? करंट को कम करेंगे मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा, करंट को ज्यादा करेंगे मैग्नेटिज्म ज्यादा हो जाएगा। जरा सोच के बताओ, क्या हम इसकी पोलैरिटी को भी चेंज कर सकते हैं? अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो क्या हम इसको साउथ, इसको नॉर्थ और इसको साउथ बना सकते हैं? यस, मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था और ये स्टेट लॉ, उसमें बताया था वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाउ? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन को बदलेंगे, अभी करंट की डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। करंट की डायरेक्शन सब लोगों को पता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अगर आप इनकी पोलैरिटी चेंज कर दो, पॉजिटिव उधर कर दोगे नेगेटिव उधर कर दोगे, तो करंट अब ऐसे फ्लो होगा, तो ये पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। समझ गए बात को? तो हम परमानेंट मैग्नेट और एक टेम्परेरी मैग्नेट में डिफरेंस भी लिखने वाले हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट। ओके, जो बार मैग्नेट हमने आपको दिखाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, उसमें हमने आपको एक बार मैग्नेट दिखाया था, एक रेक्टेंगुलर पीस होता है मैग्नेट का, वो परमानेंट मैग्नेट होता है। एंड टेम्पोररी मैग्नेट
टेम्परेरी मैग्नेट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके, टेम्परेरी मैग्नेट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो पहले तो ये समझो कि परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट होता क्या। परमानेंट मैग्नेट मीन्स बार मैग्नेट को बोला जाता है परमानेंट मैग्नेट, और टेम्परेरी मैग्नेट किसको बोला जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहला डिफरेंस क्या रहेगा आप लोग बता सकते हो, कि क्या आप परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कम कर सकते हो या ज्यादा कर सकते हो। एक बार मैग्नेट मार्केट से आप लेके आ गए तो उसका जितना मैग्नेटिज्म है वो उतना ही रहेगा, ना तो वो कम रहेगा ना ही ज्यादा रहेगा। तो पहला पॉइंट क्या होगा, वी कैन नॉट चेंज, वी कांट चेंज इट्स मैग्नेटिज्म। हम परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिज्म को चेंज नहीं कर सकते हो। यहां पर आपके लिखोगे वी कैन चेंज द मैग्नेटिज्म ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम करंट को कम करेंगे तो मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा, करंट को ज्यादा करेंगे तो मैग्नेटिज्म ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे मैग्नेटिज्म ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न कम करेंगे मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा। दूसरा, वी कांट चेंज पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट। हम मैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक बार मार्केट से मैग्नेट लेके आए हो तो जो उसका नॉर्थ पोल है वो हमेशा नॉर्थ ही रहेगा और जो उसका साउथ पोल है वो हमेशा साउथ ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम बदल सकते हैं। हाउ वी कैन चेंज द पोलैरिटी ऑफ अ मैग्नेट, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक से दो डिफरेंस हमने आपको बताए, और भी आप डिफरेंस लिख सकते हो, एक दो डिफरेंस हम आपके लिए छोड़ते हैं। कम से कम एक डिफरेंट आप सोचो और कमेंट बॉक्स में हमको सोच के बताइए कि सर एक और डिफरेंस क्या होना चाहिए। तो बात समझ में आई। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। सर एक इंसुलेटेड कॉइल होती है रैप्ड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर एंड इट इज मैग्नेटाइज्ड ओनली व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन द मैग्नेट। कैसे हम मैग्नेटिज्म को इंक्रीज कर सकते हैं, और टेम्परेरी मैग्नेट और बार मैग्नेट में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, एक डिफरेंस आपको राइट करना है कमेंट सेक्शन में, जरूर भूलिएगा मत। ओके, चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, छोटा सा वीडियो है। मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।